नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम डेन नेटवर्क्स लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है एंड जिस टाइप का भी सेटअप शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगर मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आने वाले टाइम में अपसाइड की तरफ बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है एंड किस टाइप का अर्निंग्स आ रहा है एंड फ्यूचर का अर्निंग्स क्या आ सकता है, डिटेल्स में आज की वीडियो में हम एनालिसिस करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट उजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे एंटरटेनमेंट का, इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर का। देखिए, जो स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है January 12 में, उसको भी ध्यान में रखिएगा। जो स्टॉक का मार्केट कैप है 3027 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व कैश है लगभग मार्केट कैप का बराबर 2817 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 64 एंड इसका बुक वैल्यू है 69, तो बुक वैल्यू के नीचे स्टॉक का करंट प्राइस यहां पे चल रहा है। इंडस्ट्री पी देखेंगे 58 एंड स्टॉक का पी है 11, इंडस्ट्री पी के बहुत ही नीचे यहां पे स्टॉक का पी चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 75% एंड प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पे बन रहा है 0.93। अगर आप डेप्ट इक्विटी देखेंगे 0.01, आप इसको एक जीरो डेप्ट कंपनी बोल सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एंड लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे -2%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न -2% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 83%। लास्ट 5 ईयर से लास्ट 1 ईयर जो है ना, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर रहा है एंड प्रीवियस जो 4 ईयर यहाँ पे स्टॉक का प्राइस अंडर परफॉर्म कर रहा था एंड एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था एंड अभी एक पोटेंशियल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विथ मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अगर अभी हम क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर जाएंगे, देखिए यहाँ पे सेल्स लगभग फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं एंड नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर यहाँ पे फ्लैट शो कर रहा है, लेकिन अगर ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर देखेंगे ईपीएस में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन सेल्स अभी भी फ्लैट है। अगर अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो देखिए प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 75%, जो कि पॉजिटिव साइन है, अबव 50% मार्क है। एफआई का होल्डिंग यहाँ पे 1.3% जो कि लोअर साइड के ऊपर है। डीआई का होल्डिंग यहाँ पे 0.21% जो कि लोअर साइड के ऊपर है। पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 23.5%। जैसे कि प्राइस का कैरेक्टर ऐसा है कि जब किसी भी स्टॉक का अर्निंग्स आने वाले टाइम में ग्रो होने वाला है ना, प्राइस अभी से ही मूवमेंट करना स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि वो फ्यूचर को डिस्काउंट करके हमेशा चलता है एंड जिस टाइप का चार्ट सेटअप शो कर रहा है लग रहा है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन हुआ है डेन नेटवर्क्स लिमिटेड का एंड यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे, प्राइस देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था जो टॉप बन जाने के बाद 2014 में, लास्ट 7 ईयर से प्राइस इस डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है एंड एग्जैक्टली प्राइस के लिए देखिए जो नीचे वाला ग्रीन लाइन है ना, उसी लेवल था मल्टी ईयर का सपोर्ट। एग्जैक्टली 2023 में प्राइस देखिए यहाँ पे मल्टी ईयर का सपोर्ट को टेस्ट किया जो कि 26 के आसपास बन रहा था एंड इस लेवल को टेस्ट करने के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे एक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश किया है एंड अप ट्रेंड एस्टैब्लिश करने के बाद प्राइस के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था, देखिए जो ऊपर वाला ग्रीन लाइन, प्राइस उसको फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है एंड जिस टाइप का अभी सेटअप बन रहा है प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 95 लेवल, ये जो स्विंग हाई है इस लेवल को टेस्ट कर सकता है एंड 95 लेवल को ब्रेक करने के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 145। तो 145 एंड 95 दोनों लेवल को प्राइस टेस्ट कर सकता है। अगर अभी हम एग्जिट पॉइंट डिसाइड करेंगे, इसीलिए अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखिए डेली टाइम फ्रेम में उसका जो प्रीवियस स्विंग लो बन रहा है 51 के नीचे हम यहाँ पे एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो है उसको ब्रेक कर लेता है, उसी केस में ये जो ब्रेकआउट है विथ कंसोलिडेशन हुआ है वो फेल हो जाएगा। तो बिलो 51 के नीचे एग्जिट पॉइंट डिसाइड हो सकता है फॉर मिनिमाइज आवर रिस्क। अभी हम चलते हैं राशियो चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि राशियो चार्ट में किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है। तो डेन नेटवर्क वर्सेस निफ्टी 500, तो यहाँ पे देखिए राशियो चार्ट भी उसका चैनल को फॉलो कर रहा है एंड जो मल्टी ईयर का डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा था, डाउन ट्रेंड चैनल का लोअर बाउंड्री को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे बाउंस देखने को मिल रहा है एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस जो है इस चैनल का अपर बाउंड्री को टेस्ट कर सकता है एंड अभी भी प्राइस देखिए जो मल्टी ईयर का डाउन ट्रेंड चैनल है ना उसको फॉलो कर रहा है एंड आज यूजल हमेशा से
आपका क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।